नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल। आप देख रहे हैं व्लॉगर्स टू। आज जो हमारे साथ गाड़ी है वो है महिंद्रा की ब्लेजो X35। ये जो गाड़ी है ये 12 टायर गाड़ी है, 12 चक्का गाड़ी है, 8x2 इसका एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम आज इस गाड़ी के GVW पे लोड, गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं, ब्लेजो कैबिन का क्या एडवांटेज है, कौन सा इंजन लगा है और इसका जो ये डेक लेंथ है वो कितना है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो अब मैं बात कर लूँ इस गाड़ी की, तो ये है ब्लेजो X35 और ये है गाड़ी का ब्लेजो वाला कैबिन। ब्लेजो कैबिन जो है इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहले जो है आप ऊपर में देख सकते हो, इसमें हाइट मार्कर जो लैंप है वो बहुत बढ़िया तरीके से दिए हैं सामने की तरफ, ना कि ऊपर की तरफ। अगर कभी ऊपर में आपको कैरियर माउंट बनाना रहा तो आपको जो है वो हाइट मार्कर लैंप निकालना पड़ेगा। इस वजह से जो है कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सोच के जो है सामने में आपको दो हाइट मार्कर लैंप मिल जाएंगे और बीच में आपको अप्रॉक्सिमेटी मिरर मिल जाएगा और ठीक इसके सामने में आपको दो वाइपर मिलेंगे और यहाँ पे आपको मिलेंगी बहुत वाइड वाली ग्रिल। ठीक है, अब ये वाइड वाली जो ग्रिल है ना, देने का पर्पस ये है कि जितनी भी हवा है वो मैक्सिमम हवा रेडिएटर को टच करके जो है पीछे भी चले जाए, ताकि रेडिएटर तो कूल हो ही हो, साथ ही साथ इंजन की भी कूलिंग हो जाएंगी उसी के साथ। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है। अब मैं इस गाड़ी की जो है आपको ग्रिल ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर में आपको एक लैच मिल जाता है, ठीक है, तो उसकी मदद से जो है ये ग्रिल जो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको जो है कूलेंट रिजर्वायर मिलेगा। अब ये एसी कैबिन वाली गाड़ी है तो आप देख सकते हो एसी का जो है कंडेंसर का जो प्लेसमेंट है वो यहीं पे किया गया है। फैन की जो प्लेसमेंट है वो भी यहीं पे की गई है। बहुत बढ़िया चीज़ है एसी, इससे आपका जो ड्राइवर का कंफर्ट बढ़ जाता है। और ये 4-पॉइंट सस्पेंडेड कैबिन है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको दो सस्पेंशन मिलेंगे सामने में और पीछे में भी जो आपको कैबिन सस्पेंशन मिलेगा। क्लच फ्लूइड को टॉप अप कराने के लिए आपको रिजर्वायर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये इसके एसी की जो है पाइपिंग दी गई है, हीटर और कूलिंग दोनों फंक्शन के साथ आता है इसमें एसी। और यहाँ पे आपको जो है वॉशर फ्लूइड टॉप अप कराने के लिए मिल जाता है रिजर्वायर, ठीक है। तो इस गाड़ी के जितने भी कंपोनेंट है वो मैक्सिमम सामने की तरफ दिए गए हैं, ताकि ड्राइवर को भी आसानी हो और जो मैकेनिक है उसको भी आसानी हो खोलने के लिए, ठीक है, आराम से जो है लग जाता है। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको हर एक पैनल मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो पैनल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बनाए गए, इससे जो है चाइल्ड पार्ट कहते हैं। इससे होता क्या है ना, कभी अगर ये पैनल टूट गया या ये पैनल डैमेज हो गया तो सिर्फ आपको ये पैनल चेंज करना पड़ेगा, ना कि पूरा का पूरा फ्रंट फेशिया। इससे आपका जो कॉस्ट बच जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी गाड़ी जो है जल्दी भी सुधर जाती है, आपको उतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता बड़े वाले पैनल के लिए। तो ये भी चाइल्ड पार्ट की तरह से बनाया गया है। और ये है इस गाड़ी की हेडलाइट, डुअल चैम्बर हेडलाइट मिलती है आपको। और ये है इसका हाई बीम, ये है इसका लो बीम। यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और यहाँ पे आपको लो बम्पर मिल जाता है, हेवी वाला लो बम्पर मिलता है आपको इस गाड़ी में। और आप सामने से देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से जो है गाड़ी दिख रही है, ठीक है। और इसकी अंडर बॉडी भी देख सकते हो, यहाँ पे जो इन्होंने कवर लगाया रेडिएटर कवर, होता क्या है ना, गाड़ी जब गर्म हो जाती है और अगर धूल वाले इलाके में चल रही है तो धूल उड़ाते हुए चलती है, लेकिन इसका जो रेडिएटर कवर दिया है तो इससे जो है थोड़ी कम धूल उड़ेंगी, ठीक है, तो उससे भी एक आपका फ़ायदा हो जाता है, धूल कम उड़ती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन की है। ब्लेजो के बहुत सारे एडवांटेज है, मैंने इसका डिटेल वाला वीडियो जो है ब्लेजो X42 में जो है किया हूँ, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब यह है इस गाड़ी का को पैसेंजर वाला साइड, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको एम पावर फ्यूल स्मार्ट की जो है बैजिंग मिल जाती है। BS6 वाली जो है गाड़ी है, नई वाली ब्रांड न्यू गाड़ी, जितनी भी महिंद्रा ने BS6 गाड़ियाँ बनाया है मैक्सिमम जो है गाड़ी सभी के सभी इंजन सेम आते हैं, ऑलमोस्ट सारे पार्ट सेम आते हैं, सिर्फ जो है आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएंगी और साथ ही साथ यह है इस गाड़ी का फ्रंट टायर का मडगार्ड। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको कैबिन टिल्ट करने का मैकेनिज्म मिल जाएंगे। तो ये है इस गाड़ी का फ्रंट टायर, इस गाड़ी में जो फ्रंट टायर आ रहा है वो है 295/90R20 का, इसमें फ्रंट टायर आता है, ठीक है। और सामने में आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग के साथ टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर आ जाते हैं, चार पट्टे हैं सामने में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग के। और ये है इस गाड़ी का प्राइमिंग वाला पंप। तो यहाँ पे इंसुलेशन जो है वो भी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, कैसा है ना, गाड़ी में टेम्परेचर भी कम जाएगा और जो इंजन नॉइस है वो भी बहुत कम जाएंगे। यहाँ पे आपको जो सीक्रेट स्टोरेज मिल जाता है, जस्ट आपको एक लैच ओपन करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो कुछ भी रखना है, जैक टूल किट जो भी रखना है आप वो रख सकते हो। ये सीक्रेट स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको दोनों साइड मिल जाता है गाड़ी के। तो ये है इस गाड़ी का आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट। BS4 से जो BS6 गाड़ियाँ आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ इसका चेंजेस किया है, इसका जो है एड ऑन किया है SCR टेक्नोलॉजी, DPF वाला सेंसर, DOC वाले जो सेंसर है वो सिर्फ एड ऑन किए गए हैं, ठीक है। इस वजह से जो है BS6 में जो गाड़ी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। अब इसमें जो आपको फ़ायदा ये है कि आपको इम्प्रूव्ड माइलेज मिलेगा, पावर से भी कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है, और आपके इमिशन नॉर्म्स भी मीट करती है गाड़ी। और ये है इस गाड़ी का इंजन। इस गाड़ी में जो इंजन लगा है वो है एम पावर का 7.2 लीटर का फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाला डीजल इंजन। इन लाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन है और साथ ही साथ ये जो है 280 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 1050 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1200 से लेके तो 1700 आरपीएम तक, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। होता क्या है ना, जितना जल्दी ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा उतना जल्दी जो है गाड़ी आगे चले जाएंगी, मतलब जो पिकअप है उसके मामले में जो है गाड़ी पीछे नहीं रहेंगी। बहुत अच्छा पिकअप है और बहुत ही बड़ा इंजन है, 7.2 लीटर का जो है डीजल इंजन आता है। इस इंजन की एक और खासियत बात यह है कि आपको जो इंडिविजुअल हेड मिल जाते हैं, इंडिविजुअल हेड का मतलब यह है कि अगर मान लो अगर आपका कभी सिलेंडर नंबर 1 का ही हेड अगर कभी ख़राब हुआ तो सिर्फ आपको उसी को खोलना पड़ेगा, बाकी पूरे के पूरे हेड गैस्केट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और इंजन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिलायबल है, साथ ही साथ महिंद्रा प्रूवन है CRDI टेक्नोलॉजी के डीजल इंजन बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है दो सस्पेंशन मिल जाते हैं कैबिन के और एयर फिल्टर की प्लेसमेंट जो है बीच में की गई है। तो ये गाड़ी में जो है इंसुलेशन भी बहुत अच्छी तरीके से दिया है। इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, इंजन के ऊपर बात किया, बहुत सारा चीज़ें जो मैंने कैबिन के अंदर जो रहता है वो सारी चीज़ें दिखाया हूँ। जस्ट आपको आई बटन में लिंक है उसको क्लिक करना पड़ेगा। दो पार्ट का वीडियो बना है, बहुत ही बड़ा वीडियो है, ठीक है। अब इस गाड़ी में जो गियरबॉक्स आ रहा है वो है ETON का 6 है, 6 स्पीड वाला गियरबॉक्स आता है। और यहाँ पे जो आप चेसी देख सकते हो, डबल चेसी का जो है यूज़ किया गया है लिफ्ट एक्सल तक, ठीक है। यहाँ तक जो है डबल चेसी जो है वो यूज़ की गई है और जितने भी ये जो क्रॉस मेंबर्स है उनमें सारी जगह पे जो है बोल्टिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिवेट जॉइंट देखने के लिए मिलेगा और हर 2 फुट की दूरी पे जो है आप यहाँ पे आपको एक क्रॉस मेंबर मिलेगा। और ये है इस गाड़ी का लिफ्ट एक्सल, बहुत ही अच्छी तरीके से लिफ्ट एक्सल दिया है। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है स्टॉपर मिलता है, ऊपर वाला स्टॉपर, और नीचे जाने के लिए यहाँ पे आपको एक पट्टा मिल जाता है, तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा और ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और ये है इस गाड़ी का ब्रेक लाइनर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ब्रेक लाइनर मिल जाता है और ये है इस गाड़ी का बलून, लिफ्ट एक्सल का बलून। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस गाड़ी का मेन एक्सल, ये है इस गाड़ी का मेन एक्सल। अब ये जो एक्सल है बहुत अच्छा है, लंबी जर्नी के लिए आराम से जो है चल जाएगा और माइलेज भी आपको ज़्यादा मिलेगा इस गाड़ी में, ठीक है। और साथ ही साथ जो इस गाड़ी में जो प्रोपेलर शाफ्ट लग के आ रही है वो हायर सीरीज़ की 2055 वाली जो है आपको प्रोपेलर शाफ्ट मिल जाती है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो पीछे में जो सस्पेंशन मिलेगा वो है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं, विद बेल क्रैंक वाला जो है रियर वाला जो है आपको डमी एक्सल मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको स्टेपनी की प्लेसमेंट मिल जाएंगी और यहाँ पे अगर कभी गाड़ी घाट वगैरह पे खड़ी हो गई तो उसके लिए स्टॉपर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है LED टेल लाइट का प्लेसमेंट किया गया है, LED ब्रेक लाइट, LED रिवर्स लाइट और LED इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है 5 पार्किंग सेंसर मिलेंगे इस गाड़ी में। तो इस गाड़ी में आपको जो है व्हील बेस का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा 5.6 मीटर से लेके तो 6.1 मीटर तक का। और साथ ही साथ इस गाड़ी की ग्रेडेबिलिटी है 20.70% की। और इस गाड़ी में जो डीजल टैंक लग के आ रहा है वो है 415 लीटर का और जो एडब्लू टैंक है वो 50 लीटर का। और इस गाड़ी की जो चेसी है, चेसी की जो लेंथ है 285 mm × 70 mm × 8.5 mm की जो थिकनेस वाली चेसी है यहाँ पे आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस गाड़ी में आपको जो ब्रेक मिल रहा है फुल एयर एस कैम 10 बार सिस्टम वाला ABS वाला जो है ब्रेक सिस्टम मिलेगा आपको इस गाड़ी में, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इस गाड़ी में आपको लेंथ के जो ऑप्शन है, डेक लेंथ के ऑप्शन आपको 24 फुट 28 फुट से लेके तो 30 फुट तक का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी में। तो आपको इस गाड़ी में GVW मिलेगा 35 टन का, ठीक है। 35,000 किलोग्राम जो आप इसमें GVW ले जा सकते हो। पेलोड जो है आपको डिपेंड करेगा आप पीछे में कैसी बॉडी बना रहे हो। अगर आप जो है हल्की बॉडी बनाओगे तो आप ज़्यादा पेलोड ले जा सकते हो, अगर आपने भारी बॉडी बना दी तो आप कम पेलोड ले जा सकते हो, ठीक है। तो इस गाड़ी में जो है अंदाजन पेलोड है 25 टन का। अगर आपने हल्की वाली बनाई तो आपको ज़्यादा मिल सकता है, अगर आपने भारी वाली बॉडी बना ली तो आपको जो है कम पेलोड मिल सकता है, ठीक है। और इस गाड़ी का जो माइलेज है वो 4 प्लस का माइलेज आपको इस गाड़ी में मिलेगा। अगर आपको माइलेज नहीं मिला तो आप गाड़ी एनी टाइम वापस कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप ये गाड़ी को खाली चला रहे हो, मतलब लोड नहीं रहेंगी, पूरी फुल खाली गाड़ी चला रहे हो, तो तब आपको इस गाड़ी का जो माइलेज है वो 5 के ऊपर का मिलेगा, 5 प्लस आपका जो है इस गाड़ी से माइलेज मिलेगा। अब मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो अब मैं आपको जो है गाड़ी में चढ़ के दिखाता हूँ। दो हैंडल मिलते हैं आपको, एक इधर साइड एक इधर साइड, और 2 फुटस्टेप मिलती है, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से जो अंदर आ गया मैं, आसानी है गाड़ी चढ़ने में क्योंकि ये कैबिन है, कैबिन का एडवांटेज आपको गाड़ी चढ़ने में उतरने में मिलेगा। अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया जाता है कैबिन को कभी भी। तो अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है ये है इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो है बहुत अच्छा दिखता है, कलर कॉन्ट्रास्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है।
व्हाइट प्लस ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, ठीक है। और यह है इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील। महिंद्रा की जितनी भी गाड़ी आती है बड़ी हेवी कमर्शियल व्हीकल, उनमें सभी में सेम टू सेम स्टेयरिंग व्हील यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आप 16 चक्का ले लो या फिर 10 चक्का ले लो, सभी में सेम स्टेयरिंग व्हील यूज़ देखने को मिलेगा। फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, हॉर्न की प्लेसमेंट यहीं पे, वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, हेडलाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है। और ये स्टेयरिंग को जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको इस गाड़ी का जो MID चालू करके दिखाता हूँ। तो ये इसकी MID स्टार्ट हो गई है। तो ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको फ्यूल लेवल मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है इंजन टेम्परेचर, और ये है इसका टैकोमीटर, और बीच में आपको MID मिलती है। इसमें आपको जो है दोनों साइड में कितना प्रेशर है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो है एड ब्लू का लेवल कितना है वो भी पता चलेगा, ट्रिप वन एवरेज फ्यूल कितना मिला, ट्रिप का जो है फ्यूल वो कितना कंज्यूम हुआ है, और साथ ही साथ आपको बैटरी वोल्टेज और ऑटो रेटिंग भी दिखाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसका जो ऊपर नीचे की बटन दबाओगे तो आपको जो है बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगी, जैसे कि ट्रिप टू, ट्रिप वन और DTE, ठीक है। और कुछ इस तरीके से रहता है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपको जो है बटन मिल जाएंगे, ठीक है। ये मल्टी मोड स्विचेस है जो इसके इंजन में आते हैं। एम पावर का 7.2 लीटर का फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला महिंद्रा का खुद का डीजल इंजन है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। टर्बो हेवी लाइट, अब जो लाइट है लाइट में आपको 210 हॉर्स पावर मिलेगा, और हेवी में आपको 260 हॉर्स पावर मिलेगा, और टर्बो में जो आपको फुल 280 हॉर्स पावर का जो है यूज़ करने के लिए मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये है इस गाड़ी का एग्जॉस्ट ब्रेक की बटन, ये आपको लिफ्ट एक्सल ऊपर करना है उसकी बटन, और ये मैनुअल रीजनरेशन ऑन करना है उसकी बटन, और ये है इस गाड़ी का हैंड ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ब्लोअर वेंट नहीं मिलता है, ये गाड़ी में जो है AC लग के आ रहा है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ड्राइवर के कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है जिसने भी गाड़ी खरीदा है। अब आपको जो है दो मोड मिल जाते हैं AC के, AC सबसे लो मतलब लो टेम्परेचर वाली, और AC का जो है सबसे हाई वाला टेम्परेचर, जो मतलब गर्म टेम्परेचर रहेगा डायरेक्ट बटन दबा के। यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो AC का, और साथ ही साथ ये है ब्लोअर की स्पीड जो है वो आप चेक कर सकते हो। जैसे ही मैंने फुल ब्लोअर कर दिया तो आप देख सकते हो कि पूरा हवा आ रही है, देख सकते हो इन्होंने जो है पैर की तरफ हवा रखी है। जैसे ही मैं इसका जो है पैर और फेस की तरफ करूंगा तो बहुत बढ़िया तरीके से जो इसका AC दिया है, ब्लेजो का AC है, बहुत अच्छा है। एयर रिसर्कुलेशन की बटन, ये जो है ये बेसिक वाला AC है, बहुत अच्छा AC है। हीटर के फंक्शन के साथ भी आता है आपको AC इस गाड़ी में, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अगर आपको कभी फ्यूचर में गाड़ी लेना होगा तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप AC वाली गाड़ी लो, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी है और चलाने में जो है बहुत अच्छी है, ठीक है, कंफर्टेबल है। अगर आप AC ले लेते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है स्टोरेज के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक सनवाइज़र मिल जाता है, बहुत बड़ा सनवाइज़र है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी स्टोरेज के लिए जगह मिल जाती है, और यहाँ पे आपको स्पीकर के लिए जो है प्लेसमेंट मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, एक और जो है सनवाइज़र मिलता है आपको। और साथ ही साथ जो ये गाड़ी है उसका आप कैबिन देख सकते हो, मुझे यहाँ से लेके तो वहाँ तक बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। और लैमिनेटेड ग्लास मिलता है आपको, ग्रीन कलर का जो हल्का सा टिंट देखने के लिए मिलेगा, और सामने में जो है अप्रॉक्सिमिटी मिरर मिल जाता है, तो बम्पर के सामने में कुछ है या नहीं है वो भी मुझे यही से दिख जाएगा। यह है इस गाड़ी का जो है वाइपर कंट्रोल, और ये है इस गाड़ी के दो वाइपर, बड़े बड़े वाइपर आते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से जो पूरी विंडशील्ड को क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे आपको डीफॉगिंग के लिए जो है वेंट्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और वहाँ पे आपको जो एक अप्रॉक्सिमिटी मिरर मिल जाता है जिससे कि आपको पैसेंजर साइड का जो टायर है वो उसकी पोजीशन आप देख सकते हो। गाड़ी का जो कैबिन है बहुत ज़्यादा बड़ा है, सबसे पहली बात आपको जो है एरिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, स्पेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगा कैबिन के अंदर। एंड दूसरी बात यह है कि जो को ड्राइवर रहेगा उसके लिए आपको दो सीट मिल जाती है, ठीक है, दो जन जो है बैठ सकते हैं को ड्राइवर साइड में। और इस गाड़ी में आपको स्लीपिंग बर्थ भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। स्लीपिंग बर्थ के नीचे में आपको जो है यहाँ पे स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाएंगी, ठीक है। दो हिडन स्टोरेज है, एक को पैसेंजर साइड में और एक ड्राइवर साइड में। और यहाँ पे जो है आप थोड़ा बहुत टूल किट वगैरह जैक वगैरह जो भी रखना होगा वो आप रख सकते हो। और ये जो है ये बहुत बड़ा जो है स्लीपिंग बर्थ मिलता है आपको, ठीक है, कितना भी चौड़ा बंदा रहेगा वो आराम से सो सकता है। और साथ ही साथ जो है ये 7 फीट तक के बंदे जो है आराम से फिट हो सकते हैं एक स्लीपर बर्थ के ऊपर। और यहाँ पे आपको दो हुक मिल जाते हैं कपड़ा वगैरह टांगने के लिए, अगर आपके कपड़े गीले होंगे तो सुखाने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की भी मिल जाती है, अगर आप कभी सोए हो, अगर आपको गाड़ी का AC चालू नहीं करना है तो जस्ट आप ये विंडो को ओपन कर देना। तो इस गाड़ी में आपको ETON की तरफ से आने वाला 6 स्पीड वाला जो गेयर बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, सिंपल टू यूज़ है। रिवर्स गियर जो है आपको
आगे की तरफ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एक लॉकेबल ग्लो बॉक्स मिलेगा देखने के लिए, और ऊपर में जो है आपको फ्यूज़ बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब ये गाड़ी का जो कैबिन है ना, ब्लेजो का कैबिन, बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है महिंद्रा ने। सबसे पहली चीज़ जो मुझे आप देख सकते हो, हेडरूम इतना ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अगर कभी गाड़ी खड्डे खुड्डे वाले रोड पे चल रही है तो जो ड्राइवर का सर है वो छत से ना टकरा, इसीलिए जो इन्होंने बहुत ज़्यादा हेडरूम दिया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कैबिन है पूरा का पूरा, जितने भी ब्लेजो सीरीज़ का कैबिन है, चाहे वो आप ट्रैक्टर की बात कर लो, टिप्पर की बात कर लो, या लॉन्ग हॉलेज व्हीकल जो है, मतलब जो रोड पे चलने वाला है 16 चक्का 14 चक्का जितनी भी गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ियों का जो है ECER, ये एक क्रैश टेस्ट है। जैसे कि कारों में होता है ग्लोबल एनकैप, वैसे ही ये ECER जो है ये ट्रकों का क्रैश टेस्ट करवाती है, तरीके के इम्पैक्ट जो है इस गाड़ी ने झेला है, ठीक है। अब उसमें से कुछ जो इम्पैक्ट है, जैसे कि अगर गाड़ी सामने से टकराती है, मतलब सामने से कभी फ्रंटल इम्पैक्ट होता है, तो इसका जो कैबिन है वो टूट के पीछे आ जाएगा, जिसकी वजह से जो ड्राइवर की जान बच सकती है, ठीक है। और कभी अगर कोई पत्थर वगैरह आ जाता है इसके ऊपर, तो ये मैक्सिमम डैमेज नहीं करेगा, मतलब ऊपर से कभी पत्थर गिर गया खाई वगैरह पे, या जो आप अगर गाड़ी चला रहे हो पत्थर वगैरह लैंडस्लाइडिंग हो गई और पत्थर गिरता है, तो थोड़ा कम डैमेज होगा गाड़ी को, ठीक है। ऐसा डिज़ाइन किया है महिंद्रा ने, बहुत ही सेफ्टी के हिसाब से डिज़ाइन किया है, और बहुत ही कंफर्टेबली डिज़ाइन किया है, ड्राइवर का ध्यान रख के डिज़ाइन किया, बहुत ही ज़्यादा R&D किया है इस कैबिन के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से था हमारा इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस, हमें ये गाड़ी अच्छी लगी है, वेरी रिकमेंडेड गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको माइलेज की गारंटी भी मिल रही है, स्पेयर पार्ट की भी गारंटी मिल रही है, और अगर आपको गाड़ी में कुछ भी इशू रहा तो आप एनी टाइम गाड़ी दिखा सकते हो। बहुत सारे सर्विस सेंटर भी जो है महिंद्रा के अभी ओपनिंग भी हो गई है, ठीक है। और ये गाड़ी जो है अगस्ता मोटर की गाड़ी है, अगस्ता मोटर गोंड कहरी वाड़ी से 5 किलोमीटर आगे में है। अगर आपको भी कोई महिंद्रा का हेवी कमर्शियल व्हीकल या फिर लाइट कमर्शियल व्हीकल, जो भी गाड़ी अगर आपको प्लान करनी होगी महिंद्रा के ट्रक सेगमेंट में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप उनको कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो भी महिंद्रा ब्लेजो प्लान कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।